हेलो चैनल, मैं कमलेश सर। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आई एम क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले इसकी कॉन्सेप्ट कुछ तो समझ लें। देखिए यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एसेंडिंग ऑर्डर। जो नीचे रेशनल नंबर दिया गया है उसे एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो लिखना है। कैसे करें देखिए, और क्या है, ए बी सी दिया है, सी एफ डी और दिया है, ए बी सी डी है। देखिए यहाँ पे कैसा करेंगे सोल्यूशन, ए ए क्या है 3/2, 5/4, 5/6, 2/3 एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स समझिए, एसेंडिंग ऑर्डर पहले करते हैं आरोही क्रम में। फिर क्या रखते हैं एसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, मतलब स्मॉलेस्ट टू हायर करते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं, यानी छोटे से शुरू करते हैं। क्या करेंगे 2, 4, 6, 3 का एलसीएम ले लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो मान नहीं पाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। एलसीएम लेंगे तो जिसकी वैल्यू का सबसे छोटा होगी वो सबसे छोटा होगा, इसकी वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। 2, 4, 6, 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, 2, 4, 6, 3 का एलसीएम 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 का डिनोमिनेटर इसमें डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतना को पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 12, 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई करके 3 करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आया 18। देखिए 3 2 को डिवाइड करेंगे 12 में, 2 6 12, 6 आया, 6 3 18। बस ये भी करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 12 में, 4 3 12, 3 आया, 3 5 5 में, 3 5 15, ये हो गया। अब से डिवाइड करेंगे 12 में, 6 2 12, 2 आया, 2 5 10, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 2 5 10 हो जाएगा, कॉमा हो गया। अब 3 डिवाइड करेंगे 12 में, 3 4 12, 4 आया, अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 2 8। देखिए इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। पहले आप इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसकी वैल्यू को, फिर इसके बाद जो है रेशनल नंबर को ऐसे जान लिखेंगे। देखिए आप सबसे छोटा क्या है, सभी पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा 8 है, फिर क्या है 10 है, फिर 15 है, फिर ये 18। देखिए ये वैल्यू क्या हो गया एसेंडिंग ऑर्डर में गया। अब लिखेंगे इन एसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू करके, देखिए 8 है, 8 किसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 8 की वैल्यू 2/3 की है, तो ये 2/3 क्या हो सबसे छोटा हो गया, सबसे लेस हो गया। और इसके बाद इससे ग्रेटर कौन है, देखिए 10 किसकी वैल्यू है 5/6, तो 5/6 जाएगा। इसके बाद देखिए 15 है, 15 किसकी वैल्यू है 5/4 की है, ध्यान देंगे 5/4। अच्छा सबसे बड़ा कौन है 18 है, तो 18 किसकी वैल्यू है 3/2 की, तो 3/2 सबसे बड़ा हो गया, ये हो गया आपका आंसर। और डिसेंडिंग कहेगा तो बड़े शुरू करेंगे, एसेंडिंग कहेगा तो छोटा शुरू करेंगे, और डिसेंडिंग कहेगा तो सबसे बड़ा शुरू करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका और का क्वेश्चन नंबर 3 का ए समाप्त हो गया। अब बी देखिए, बी क्या है, अब बी देखिए, बी है आपका -7/10, -3/15 है, ये 1, 2, 3 रेशनल नंबर है। अब इसका भी लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, 10, 5, 15 का एलसीएम कितना होगा 30, 10, 5, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30। अब देखिए वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 3 30, 3 आया, 3 7 21, ये 21 माइनस में तो माइनस हो गया, कॉमा फिर ये माइनस में माइनस करेंगे, 5 डिवाइड करेंगे 30 में, 5 6 30, 6 आया, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 3 18 हो जाएगा।
अभी यहाँ पे भी माइनस में ही माइनस डालेंगे, 15 डिवाइड करेंगे 30 में, 15 टू जा 30, 2 आया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 11 में करेंगे, 11 टू जा 22, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये हुई है। अब देखिए सभी जो वैल्यू है वो आपका नेगेटिव में है, पॉजिटिव में क्या होता है, जो छोटा होता है छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो लेस होता है वो लेस होता है, जो ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होता है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, जो लेस होता है वो ग्रेटर होता है, जो ग्रेटर होता है वो लेस होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अब देखिए इसके वैल्यू को एसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे छोटा शुरू करेंगे, तो जो वैल्यू देखिए दोनों तीनों क्या है नेगेटिव है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, माइनस 22 लिखेंगे। ये क्या सबसे बड़ा है, तो ये रेशियो नंबर क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 21 सबसे बड़ा, इसके बाद क्या ये है इसलिए सबसे छोटा, इसके बाद सबसे छोटा ये हो जाएगा, अब फिर ये सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा माइनस 18। अब देंगे इन एसेंडिंग ऑर्डर, इन एसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू माइनस 22, माइनस 22 किसकी वैल्यू है, माइनस 11 अपॉन 15 की है, यानी देंगे माइनस 11 अपॉन 15 कॉमा। अभी किसके बाद क्या माइनस 21, माइनस 21 किसकी वैल्यू है, माइनस 7 अपॉन 10 की है, माइनस 7 अपॉन 10 की है। और देखिए माइनस 18, माइनस 18 किसकी वैल्यू है, माइनस 3 अपॉन 5 की है, माइनस 3 अपॉन 5 की है। तो ये क्या हो गया, इसमें सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ए हो गया। देखिए पॉजिटिव में क्या होता है, जो ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होता है, जो लेस होता है वो लेस होता है, लेकिन नेगेटिव में जो ग्रेटर होता है, ग्रेटर नंबर होता है वो लेस होता है, जो लेस होता है वो ग्रेटर होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इस तरह से आपका ए और बी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस वीडियो में इतना ही, आप सेकेंड वीडियो में सी और डी को सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और वीडियो आपका देखा करिए, आप बेल को क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।